दुनिया के कई देश इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। 2.5 साल से रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक लाखों लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी संसद की एक डेटा को यदि सही मान लें तो तकरीबन ये संख्या 5 लाख के आसपास पहुंच रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। इसके अलावा कई देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन जहाँ आए दिन ताइवान को आंख दिखा रहा है, वहीं इसराइल हमास में भीषण जंग जारी है। ऐसे में बात आज हम सिर्फ इसराइल और हमास की करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसराइल हमास के कमांडर को क्यों चुन चुन कर मार रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि हिजबुल्लाह कौन है और लेबनान में क्या होने जा रहा है। युद्ध की पूरी तस्वीर हम आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उस पर नजर डालते हैं। देखिए, हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इसराइल में घुसकर करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसराइल लगातार फिलिस्तीन के गाजा में हमास पर कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में इसराइल ने हमास के 2 टॉप लीडर्स को मौत की घाट उतार दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को इसराइल ने गाइडेड बम से उड़ा दिया। उसके बाद हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दाइफ को भी मार गिराया। इसराइल ने हिजबुल्लाह नेता फौद शुकर को भी इसी बीच बम से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह की हत्या के बाद लेबनान में क्या होने जा रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर इसराइल हमास के कमांडर को लगातार मौत की नींद क्यों सुला रहा है। चुन चुन कर क्यों मारे जा रहे हैं हमास के कमांडर। इसराइल का बदलापुर जारी है। इसराइल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में हमास को लेकर उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है। जब तक वो पूर्ण रूप से हमास को खत्म नहीं कर लेगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इसराइल हमास के सिपाहियों से ज्यादा उनके कमांडर्स को इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि किसी भी संगठन का जब मुखिया नहीं रहता तो उस संगठन के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी ट्रिक पर मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्स काम कर रही है। इसराइल के टारगेट पर अगला नंबर किसका? इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ के बाद इसराइल के टारगेट पर कौन है, ये उसने साफ भले ही ना किया हो, लेकिन इसराइल के रडार पर अगला नाम हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का तेजी से चमक रहा है। हिजबुल्लाह नेता फौद शुकर की हत्या के बाद लेबनान में कोहराम मचा हुआ है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी।